हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड माय फर्स्ट वीडियो। और आज बात करेंगे कि बिगिनर्स को कौन कौन चीज़ों का दरकार है एक परफेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए या अपने आर्टिस्ट होने के लिए कि ड्राइंग करने के लिए, ऐसा ही बोल सकते हैं हम। तो शुरू करते हैं। आपको कोई ब्रांड का पेंसिल में नहीं लेने की बोल रहा हूँ कि आपको बस ग्रेफाइट पेंसिल्स चाहिए और उनसे फर्स्ट आप शेडिंग करना सीखो। फर्स्ट आप लोग तो पेंसिल से लाइंस लगाते तो सब भी जानते होंगे, लेकिन उनसे शेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हो जाता है। आप अगर शेडिंग करना शुरू करोगे तो आप जो कुछ भी पेंसिल से कर सकते हो। अगर ये डॉम्स के ये पेंसिल्स जो होते हैं अल्ट्रा डार्क, इससे भी कर सकते हो, तो आप अप्सरा का पेंसिल से भी कर सकते हो। ये एक्चुअली मेरे पास ग्रेडेड है, बट आप अप्सरा का जो पेंसिल होता है ना, नॉन ग्रेडेड, वो उसको क्या बोलते हैं, शाइन मरता है बहुत। तो कुछ भी समझ लो, अप्सरा का नॉन ग्रेडेड पेंसिल, मेरे पास आर्ट लाइन का भी नॉन ग्रेडेड पेंसिल्स है। तो फर्स्ट आप शेडिंग अगर और ड्राइंग अगर शुरू करेंगे तो इन पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो, नटराज का भी पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट आपको ग्रेडेड पेंसिल्स नहीं यूज़ करना है, जैसा कि ये आपका ग्रेड्स 2B, 4B, 8B, इन सब चीज़ों का ध्यान आपको नहीं रखना चाहिए। और पेपर चाहे लो GSM का हो, हाई GSM का हो, रफ हो, स्मूथ हो और मीडियम जैसा हो, वो कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको बस शेडिंग प्रैक्टिस करना है, जैसा मैं अब दिखाऊंगा। मैं मेरा स्केच बुक ले लिया हूँ, आप देख सकते हो। तो अब उसमें शेडिंग करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट आपको लाइंस लगाना है नॉट ब्रांडेड पेंसिल्स का। मैं तो बस ये डॉम्स का ही यूज़ करता हूँ, तो ये वाला आपको दिख रहा होगा सुपर डार्क, ऐसा स्माइलीज होता है। तो थोड़ा करके देखते हैं। आपको बस ऐसा पकड़ना है, ऐसा पेन के तरह ही, लेकिन ऐसा थोड़ा पीछे से। मेरे एक ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हो कि ये जो ब्लू पार्ट जहाँ पर ख़त्म होता है ना, वहाँ पर आप पकड़ो तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो बस आपको ऐसा ऊपर की डिरेक्शन में थोड़ा ना प्रेशर लगा के बस आपको लाइंस लगाना है, तो आपका शेडिंग बहुत ही अच्छे होगा। और मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल पेपर, कोई भी ब्रांड का नहीं है ये, तो बस नॉर्मल पेपर है जो लोकल मिलता है। तो ये तो नॉन ब्रांडेड पेंसिल। अगर आपको थोड़ा डार्क वैल्यूज ऑप्ट करना है तो थोड़ा हल्का प्रेशर लगा लो। तो अगर आपको हेयर्स ड्रॉ करना है तो आप स्ट्रोक्स लगा लो प्रेशर लगा के। बट ये चीज़ एकदम भी सही नहीं है कि आप को हेयर्स के लिए ज़्यादा डार्क करना चाहिए। अगर आप लाइट प्रेशर से भी हेयर्स ड्रॉ करेंगे तो भी वो हेयर्स की तरह ही लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा। तो आप हेयर्स के लिए मेरे ओपिनियन के साथ आप ये जो पेंसिल दिखा रहा हूँ आर्ट लाइन ब्लैक ब्यूटी के नाम, ब्लैक ब्यूटी
अल्ट्रा डार्क यहाँ पर है। आपको फर्स्ट में पेंसिल शार्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हेयर्स के लिए बहुत डार्क है, ये बहुत डार्क वैल्यूज होता है, तो ये पेंसिल को आप शेडिंग में कभी भी मत यूज़ करना, क्योंकि बहुत डार्क है और डार्क डार्क वैल्यूज ऑप्ट करेगा ग्रेफाइट का। तो आप इन ही कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये पेंसिल है तो बहुत लाइट प्रेशर से आप शेडिंग कर सकते हो, बहुत लाइट। आपको बस पेंसिल को ऐसे ऐसे के ऊपर घिसना है, और फर्स्ट चीज आपको बस पेपर पे शेडिंग दिखनी चाहिए। आपको ऐसे ऐसे लाइंस 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 ऐसे नहीं दिखने चाहिए जैसा हेयर्स में दिखने चाहिए। ऐसा आपको हेयर्स में बस स्ट्रोक्स दिखने चाहिए, और शेडिंग में बस आपको को ऐसा स्मूथ टेक्सचर दिखना चाहिए। और फेस के लिए आप बिल्कुल भी डार्क पेंसिल मत यूज़ करो। सबसे लाइट जो आपका पेंसिल लगेगा वो जो कुछ भी ब्रांड का हो तो वो पेंसिल को यूज़ करो। मेरा तो अप्सरा ही लगता है सबसे लाइट, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट है। बट आप शेडिंग करोगे तो लेयर बाय लेयर करो, जैसे मैं थोड़ा साइड पे दिखाता हूँ। ऐसा आप एक एक ऐसा लेयर बनाओ, उसके ऊपर और एक लेयर चढ़ा दो तो और डार्क हो जाएगा। ऐसे करते करते आप का शेडिंग बहुत डार्क हो जाएगा, और आप किसी भी एक पेंसिल से डार्क वैल्यूज शेडिंग में ऑप्ट कर सकते हो। और लाइट वैल्यूज के लिए आप पीछे से पकड़ो, मैं तो एकदम एंड पे पकड़ता हूँ, अब कितना लाइट वैल्यू आता है, बहुत बहुत लाइट, इतना लाइट कि मैं खुद बता भी नहीं सकता हूँ, दिखा नहीं जाता है एक्चुअल पेपर में। बस ऐसे करते करते आपका जो शेडिंग है वो टिप से करने चाहिए, ये ऐसा ऐसा करके ऐसा करोगे तो शेडिंग फुल ख़राब हो जाएगा। टिप से करो तो आपका शेडिंग बहुत अच्छा होगा। और अब आते हैं ब्लेंडिंग के तरफ, और ब्लेंडिंग आप दो चीज़ों से कर सकते हो। एक है कॉटन ईयरबड्स, जिसका मैं एकदम ही बोल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कॉटन ईयरबड या पेपर स्टम्प के साथ ब्लेंडिंग एकदम भी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा ड्राइंग का बहुत 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 खराब कर देता है। इसीलिए ब्लेंडिंग पे ज़्यादा फोकस मत करिए जो भी बिगिनर्स है, और आप लोग ज़रा शेडिंग पे फोकस करिए। तो धीरे धीरे मैं नेक्स्ट 10 दिन के अंदर नेक्स्ट स्टेप भी बता दूंगा बिगिनर्स के लिए, और आप तब तक ये ही प्रैक्टिस करिए तो आपका ड्राइंग बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो गाइस ये ही था बिगिनर्स के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स। आप इन चीज़ों को ज़रा ध्यान देके फॉलो करो। मैं नेक्स्ट 10 दिन के अंदर और एक वीडियो पब्लिश कर दूंगा, ये आउटलाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब तक आप शेडिंग पे ध्यान दो, एंड बाय। लाइक दिस वीडियो प्लीज इफ यू लाइक, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बाय बाय।